वेलकम खबीन हैं बिल्डिंग पाकिस्तान पावर्ड बाय जी और आज भी बहुत ही कमाल शख्सियत यू नो कई लोगों को आप मिलते हैं सारी सारी जिंदगी वो एक उनकी प्रेजेंस होती है आपको लेकिन वो बोलते ही कुछ नहीं उन लोगों में से कि जिनको मैं जानने को ये कहने को तैयार हूँ आपके सामने कि मैं इनको पच्चीस तीस साल से जानता हूँ लेकिन सारे ये भी मैं आपको बताऊँ कि बोलते तो हैं ही कुछ नहीं, से, नहीं करते कोई इंफॉर्मेशन कमाल है तो हजरत अली का एक कॉल है कि मैं खामोश रह के कभी नहीं पछताया <laughs> इनके इनके इस फलसफे को आपने अगर देखना है किसी जिंदगी में तो हैं बिलाल मकसूद। <laughs> सही कहा आपने नहीं बोलता मैं और बहुत लोगों को इससे काफी इश्यू है इशू क्या है शदीद इशू है यार हाँ। कि तुम्हारे अब्बा जितना बोलते हैं और तुम ये दो अलग अलग एक, इस, लोग दिखाई देते हैं का, क्यों कटना कम क्यों बोलते हो तुम क्या अरे मेरे साथ ऐसा होता है कि किसी ने मुझसे सवाल पूछा और मैंने जवाब दे दिया उसका लेकिन इट्स ऑल इन माई हेड मैंने जवाब नहीं दिया लेकिन दिया। मैं जवाब दे चुका हूँ और अब मैं कंफर्टेबल मैं जवाब दे दिया लेकिन बताओ मैंने कहा अच्छा वो अच्छा नहीं दिया मैंने अच्छा ठीक है मैं बताता इसमें कहीं तुम्हें मुझे लगता है कि अब्बा की कहीं बहुत ही ज्यादा इज्जत शामिल है क्योंकि जो बच्चे बहुत कम बोलते हैं ना वो अपने अब्बा के सामने जरा बहुत ही ज्यादा इज्जत शुरू से ही रखते हैं क्योंकि उनकी औलाद भी कोई और एक्सपेरिमेंट के लिए कोई और मर्द भी नहीं उनके पास नहीं वो खैर जो बोलने वाला पार्ट है वो तो खैर अब्बा ने ले लिया ना घर में तो कल बच्चे चाहते मेरा बेटा मुझसे ज्यादा बोलता है मैं बोलो ओके तुम उसका उल्टा हो तुम बिल्कुल ही नहीं बोलते नहीं तो अब्बा की वजह से है ये नहीं बिल्कुल भी नहीं 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 हमेशा से ऐसी हूँ बचपन से ही आ, खामोश खामोश यानी जब अम्मी मुझे बता दी थी कि जब शॉपिंग पे ले गई गई हैं तारक रोड गई हैं सदर गई हैं तो बस मैं खामोश जाके दुकान पे मुझे एक कुर्सी पे साइड पे बिठा देती थी, थी मैं बैठ जाता था <laughs> वो अपना काम करती रहती थी आधा घंटा एक घंटा जो भी है मैं वहाँ बैठा रहता था

बचपन में फादर की ऐसे से वट कैंड ऑफ फादर वॉज ही ये तो बहुत लोगों ने पूछा होगा तुमसे मैं भी पूछूं तो, तो क्या हाल है um, uh, अच्छा मतलब बहुत ही अमेजिंग फादर है मतलब कि बचपन में स्कूल में मुझे समझ नहीं आता था जब मेरे दोस्त या क्लास में दूसरे बच्चे ही कहते थे कि उनको अब्बा से डर लगता है हाँ. Uh. कि अम्मी प्यार करती हैं, अब्बा से डर लगता ओ, है मुझे भी ऐसे ही आपको नहीं लगता बिल्कुल भी नहीं आती तो तो थी, थी ये बात लग सकता है क्योंकि <laughs> अब्बा ऐसे थे कि भाई बच्चों को कल स्कूल नहीं जाना हमने जाके कह दिया अब्बा कल स्कूल नहीं जाना तो बस कल कल छुट्टी है वो वो लड़ लेंगे अम्मी से हाँ बस कल छुट्टी है फिर सुबह उठे हाँ, ये होता था कि अपने जूते खुद पॉलिश करो हमने देखा कि पॉलिश कर रहे हैं जूते पॉलिश करके रख देंगे हाँ मगर nice. आपकी वालदा ने कहीं मुझे इंटरव्यू दे उन्होंने तो कोई ज्यादा हिस्सा ही नहीं लिया बच्चों को पालने वालने में वो तो गायब रहते थे सारा तो काम उन्होंने ही किया था अबा ने यानी बिगाड़ने के लिए

अपनी कोई किसी बात पे नहीं किसी कोताही पे नहीं यानी अम्मी वर्क टप हैं, किसी बात किसी पे, और हाँ किसी और बात पे तो <laughs> तो वो सारा गुस्सा मेरे बिलाल पे उतर रही थी तो कभी आपा मुझे एक मुझे याद है मेरा इस्लामियात का पेपर था और मैंने कुछ नहीं पढ़ा था ना शायद क्लास फाइव की बात है तो या फोर्थ की है तो हम कल पेपर है और मैंने आज रियलाइज किया कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है ना अब मैं बाथरूम में मैंने अपने आप को लॉक किया और मैंने रोना शुरू कर दिया एवरी ड्रामा बस आई रहा था रोना मैंने अच्छा। लॉक किया कि किसी को आवाज ना आए और मैं जोर-जोर से रोया कि कोई तो सुन ले ठीक <laughs> <laughs> फिर गया वो कि सुन ली होगी भाई सुन ली आई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मैं रोए जा रहा हूं खोलो दरवाजा क्या हुआ जब खोला तो मेरे हाथ में इस्लामियात की <laughs> नोटबुक थी, नोड़ थी। और आ, मैं कह रहा था कल मेरा पेपर है मुझे कुछ नहीं याद हो रहा तो वो इतनी परेशान हो गई थी मेरे रोने से पट्टा आखिर कि ये कौन सा रिएक्शन है कि बजाय उस बच्चे के साथ हमदर्दी दिखाए उन्होंने आपको मारा नहीं नहीं सही मारा मतलब क्योंकि ये ये ड्रामा ना करो ना भाई अगर या तो पढ़ लो या पेरेंट्स हाँ ये दोनों बिजी पेरेंट्स तो तुम तो लोगों को टाइम कैसे मिला खुद पले बड़े नहीं नहीं अम्मी ने हमेशा उसी स्कूल में नौकरी की जहाँ हम पढ़ने जाते थे अच्छा, <laughs> तो थे। वो यानी वो सुबह हमारे साथ ही स्कूल जाती थी अब मुझे समझ आया खामोशी की वजह हर जगह पेरेंट मौजूद है शुक्र तो है मेरी वालदा तो घर में रहती थी आपको पता है हम लोग रहते थे अली सोसाइटी में और वहाँ पे मैं टेनिस बॉल दीवार पे मार के बैठ से खेलता रहता है क्योंकि क्रिकेट का शौक शौक था बाहर नहीं जाता था <laughs> अब मैं हूँ इस वक्त कोई समझे चार पाँच साल ठीक है तो अम्मी ने मेरा नाम इलेवन रखा हुआ था क्योंकि जो इलेवन प्लेयर होता है उसे खेलने का चांस नहीं मिलता ना समझे कि भाई, भाई।, भाई। प्लेयर होता है वो होता है ना लेकिन अम्मी ने मेरा नाम इलेवन रखा था कि दस आउट हो गए तो बस ग्यारह तो मेरा बचपन में नाम काफी दिनों तक इलेवन रहा था और फिर एक दिन मेरी खाला आए उन्होंने देखा कि मैं ये कर रहा हूँ अकेला हाँ। तो ना कहा कि इमो तुम लोग यहाँ से निकलो तुम लोग आओ सी क्योंकि वहाँ बिलाल के सारे कजन वही हैं उनको खेलने दो यार बेचारे को यार बेचारे तुम निकालो और फिर तो ज्यादा स्ट्रिक्ट मतलब घर में से बाहर निकलना नामुमकिन था बिल्कुल उसमें कोई रोक टोक नहीं थी फिर बट मैं मेरा शौक ही नहीं मुझे बचपन शौक इन चीजों का था painter, तो पेंटिंग कर रहे हो कि नहीं करता रहता हूँ तो मुझे तुम्हारे अब्बा के नाम नामुमकिन पैसे दो वो अच्छा। तो असल तो वो पेंटर है मालूम तो बाद में हुआ की अनुर अमीर क्यों है हमने सोचा

कोई आया। आपको पता नहीं वो क्यों तस्वीरें ऐसे मैं नहीं, 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 नहीं। मैं मजाक कर रहा हूं। मैं उनकी दो चुरा 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 हूं। हाँ। रहा उनकी दो-चार चीजें चुरा चुका बता तुम्हें वो मेरी बीवी ने मुझे कहा था मैं चुरा लाया तो गया उनके पास तो, वो कुछ कर रहे थे। तो मैंने एक घंटा उनसे गप्पे लगाई इसी चक्कर में काम ना करें आप पेंट करें बस और कुछ ना करें डिड यू स्पेंड गुड टाइम विद हाँ हाँ मतलब कि आ, अभी भी अभी भी ऐसा ही है कि दिन में कोई तीन दफा वो हम हम लोग नेक्स्ट डोर ने, पर हम हैं। जानते हैं कि आपको एक पता है, में रहते हैं। हाँ, इनको नहीं पता है ठीके. तो हम अब्बा दिन में तीन दफा आएंगे सुबह आएंगे किचन में भी जाएंगे घूमेंगे देखेंगे कि खाना क्या रहा है अच्छा अगर उनको लगेगा कि कुछ मजे का नहीं है, है। वापस जाएंगे पकाएंगे और लाके रख के चले जाएंगे अच्छा हाँ। वाओ दैट्स नाइस nice, यार हाँ। तुम्हारी और... तो सर्विस कर तुम तो खाना ही नहीं पकाते हो इसका मुझे तो पता आजकल की बीवियां तो कहती नहीं नहीं, खाना पकाए तो मेरी बीवी परेशान हो गई है कि हमारे घर में खाना पकता है और फ्रिज में चला जाता है पकता है और फ्रिज में चला जाता है क्योंकि अब्बा खाने ही नहीं देते हैं और उनको सिर्फ या तो पकाने का शौक है या बस कहते हैं इधर आ जाओ या मैं लेकर आ रहा हूँ तुमने अपने जैसे भाई ने तो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा दुनिया में दिखाया थारें थारें, थारें, बिलाल और तुम अपने बच्चों को दिखाते हो ना तो कोई नजर आते हैं तुम लोग खामोशी से जिंदगी गुजार रहे हो अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है लोगों को क्यूरियासिटी भी होती है कि बिलाल क्या करे है। इसको बार छोटा सा ब्रेक ले लें इसके ऊपर बड़ी बात करेंगे छोटा सा ब्रेक कहीं मर जाइएगा देखते रहिए बिल्डिंग पाकिस्तान पावर्ड बाई वाटर फ्रंट आप देख रहे हैं बिलाल मकसूद को, बैक आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान आज हमारे साथ बड़ी खुशकिस्मती के बिलाल बड़ी मुश्किल से अपना वक्त निकाल के आए हैं एक तरफ तो ये अब्बा दूसरी तरफ से अम्मा के बारे में भी वो भी खाने के अंदर एक, एक चीज है हाँ

क्यूँ पकाना पर मेरी पड़ा नहीं पकाती नहीं मैं भी, भी, भाई भी, 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 भी पकाती, पकाती है नहीं पकाती <laughs> पकवाती, तो है, <laughs> पकवाती है <laughs> तुम तो तुम जिसे डरते हो पकवाती है नहीं मैं एक बात पूछ रहा हूँ मुझे मैंने अनवर भाई को तो डरते हुए खौफ खाते हुए देखा देखे अब्बा डरते हैं आपकी अम्मी से ऐसा सच है हर शरीफ आदमी बीवी से नहीं यार ये तो हर शरीफ आदमी की बात नहीं मैं कर रहा मैं ऐसा तुम्हारी स्पेसिफिकली अब्बा की बात कर क्या अनवर मकसूद अपनी बीवी से डरते हैं उनके पीछे डरते हैं। <laughs> उनके पीछे उनके दरते? आगे नहीं डरते जब वो नहीं होती तो वो डरते <laughs> यार आई लव यू बिलाल क्या तुमने क्या नक्शा खेचा है आ, ये अच्छा है उनके सामने लड़ाई हो जाती है मगर पीछे पीछे खौफ पीछे खौफ इज्जत प्यार सब कुछ पीछे है बड़े कॉम्पेटिटिव आदमी अनु भाई तुम्हारे अंदर वो कॉम्पेटिव नहीं आई क्यों अग्रेशन वो कॉम्पेटिवनेस या बा... नहीं वजह नहीं मुझे भी नहीं लगता कि अब्बा में इतने कंपेरेटिव हैं क्योंकि हम कभी उन्होंने कभी कुछ ज्यादा अचीव करने के लिए कभी उन्होंने उस तरह अपने आप को पुश नहीं किया हुँ. जो चीज हो रही है फ्लो में हो रही है वो हो रही है काम आ रहा है आ रहा है नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं है पेंट कर रहा है आ, बिजी रखते हैं अपने बिजी रखते हैं, कितना काम फ्री करते हैं कितना काम फ्री करते हैं मैं कहता अब्बा, ये जो आप एक मैं आपको बताऊं, एक मल्टी कंपनी उसने अब्बा को कहा फ्री तालीम के लिए एक फ्री तालीम के लिए थर्टी डेज का प्रोजेक्ट थर्टी डेज जिसमें ट्रैवल है पूरे पाकिस्तान का होई होई होई। और, आ, मेरे लिए तो वो, मैं उनको फोन करता हूँ मेरे लिए तो वो दो कदम नहीं उठाना चाहते उनके दिन उन्होंने उन्होंने दिए क्योंकि उन, को ये किया था कि ये फ्री तालीम के लिए हम करना है। अब यू हैड तुम्हें तुम्हें रोका कभी अब तुम सिंगिंग करोगे ये क्या कर रहे हो किन चक्करों में अरे नहीं लो? भाई यानी चौथे थे हमारे बैंड के वो खुद

लड़के लड़कियां डांस कर रहे हैं वो 200 लोगों का हॉल था अब एक्साइटेड आ गए स्टेज पे बिलाल जब मैं बजा रहा हूँ ना मेरे पीछे बिलाल जैकेट उतारो फेंको <laughs> <laughs> नहीं, नहीं, नहीं 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 जैकेट उतारो फेंको स्टेज पे आ गए दोनों परफॉर्मेंस हाँ तो बहुत ही अनवर भाई <laughs> तो, तो क्या है यार ये किस किस्म के बाप है मैं बस बड़ा शर्मिंदा हो रहा हूँ आपकी बात नहीं नहीं सुने अच्छा फिर क्या हुआ मैनेजर अब आप मैंने, बजा रहे रहे मैंने जा रहे हो और वो कह रही जैकेट उतारो मैंने जैकेट उत जाते हुए कैसे जैकेट उतारी पहले गिटार रखा जैकेट उतारी वो रोकी फेंकी और वो जैकेट तीन सेकंड में वापस मेरे पांव पे आके गिरी क्योंकि उसमें इतना पसीना था और मुझे पता ऐसे चला कि उसमें पसीना था क्योंकि वो गिरी थी टीना के ऊपर

ये यार तो ये उस वक्त बातें बड़ी मुश्किल होती हैं अब तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान है बच्चे हो गए माशाल्लाह अब बड़े हो गए सब उस वक्त की जो जहने, कैसे को बताओ बहुत सारे आशिक बैठे हुए इस कहानी से कुछ सीखेंगे नहीं नहीं यार ये, ये, ये मैं नहीं बताने वाला यार ये तुम्हारी कोई स्पेशल कोई टेक्निक है हा? वो स्पेशल टेक्निक है बता दो यार अब तो बता दुनिया को पता चले यार नहीं ये सिर्फ टीना को पता बट हाउ लॉन्ग इज इट बीन नाउ से 95 में शादी कोई कोई 29 नहीं। 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 My God, Marjola, 29 years. तुम तो बहुत ही पुराने शादीशुदा हो यार तुम तुम्हारी आवाज़ नहीं आई को कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई कोई बिलाल का कोई और माश का नजर आया ये चीजें नहीं आई इन चीजों से कैसे दूर रहे तुम इसके बारे में बात करेंगे खबर छोटा सा ब्रेक विल बी राइट बैक यहीं से शुरू करेंगे कैसे कंट्रोवर्सी से बचते रहे आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान पावर्ड बाय एच माई वाटर फ्रंट